बिहार में भी चुनाव है लेकिन झारखंड का सबसे पहला है, और इधर बिहार के चुनाव पर जब फोकस नरेंद्र मोदी की आती है, वो जानते हैं कि बिहार में फोकस करना बेहद जरूरी है। आपने देखा नालंदा विश्वविद्यालय जो खंडहर विश्वविद्यालय था उसे कितना भव्य तरीके से उन्होंने बनाया, ये वाक्या हुआ है। और बाढ़ के बाद बाद बिहार पर फोकस करना नरेंद्र मोदी का, तो नीतीश कुमार भी समझ गए कि नहीं, नरेंद्र मोदी आज भी बिहार के लिए वो सोच रहे हैं जो हमारे मन में था, जो हमने एक नरेंद्र मोदी के सामने रखा था प्रपोजल कि बिहार हमेशा से पिछड़ रहा है, व्यक्तिगत तेजस्वी यादव का क्या होगा। अब खूब हमले होंगे एनडीए गठबंधन पर, मीडिया में खूब आएंगे। पिछले आप देखेंगे कि जब से विधानसभा का सत्र शुरू हुआ है तब से लेकर अभी तक तेजस्वी एकदम मतलब शांत थे, एकदम चुप थे, लेकिन वो चले गए इस्तीफा लेकर के। तो ये मतलब मुकेश सहनी भी चाहते हैं कि जो मतलब वो मांग करना चाहते हैं एनडीए गठबंधन से, जो वो चाहते हैं अगर वो पूरा हो जाएगा तो शायद मुकेश सहनी के लिए आसान हो जाएगा। लेकिन मंत्री अशोक चौधरी गए थे, नीतीश कुमार के बेहद करीबी मंत्री, वो गए थे मुकेश सहनी के पास ऑफर लेकर। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप और ये भारत लाइव का विशेष कार्यक्रम रातों रात। कल के सीएम नीतीश की भाषण की चर्चा हम अगस्त के शुरुआत ही महीने से कर रहे थे। जब अगस्त की शुरुआत हुई तभी से इस बात की चर्चा, अगर आपको याद दिला दें, बाबा के साथ हम काफ़ी खबर कर रहे थे कि इस भाषण से बहुत कुछ साबित होगा कि बिहार में अब क्या होने वाला है, या फिर बिहार में कुछ और बदलेगा या फिर स्थिति सामान्य रहेगी। नरेंद्र मोदी के भी भाषण पे हमने चर्चा की, लेकिन ये भी चर्चा की 78वें पर 18 भारी, किस तरीके से सीएम नीतीश का भाषण ज़्यादा भारी था। आपने खुद सीएम नीतीश का भाषण सुना होगा, एक बार और उस पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी रत्नेश मौजूद हैं। रत्नेश, क्या कुछ साबित हो रहा है सीएम नीतीश के भाषण से, आपने भी सुना और उसकी बहुत चर्चा हो रही है जब से हमने खबर चलाई है उसके बाद से। देखिए, कल जब हम लोगों ने बातचीत किया था रातों रात की, जब हमने चर्चा की थी, जब सुबह सवेरे दिन की शुरुआत होती है, तो हमने कहा था कि नीतीश कुमार का आज का भाषण काफ़ी दिलचस्प होने वाला है। आज नीतीश कुमार जो कुछ भी बोलेंगे उससे ये स्पष्ट होगा कि नीतीश कुमार क्या चाहते हैं। अगस्त के महीने की शुरुआत होती है और एक बात की चर्चा उठ जाती है कि बिहार के राजनीति में बहुत कुछ होने जा रहा है। नीतीश कुमार मतलब एनडीए गठबंधन में अब नीतीश कुमार वो नीतीश कुमार नहीं है जो उनके जो एनडीए गठबंधन में जिन्हें लाया गया था। नीतीश कुमार का मन मिजाज धीरे धीरे बदल रहा है, लेकिन चूंकि अब एनडीए गठबंधन में नरेंद्र मोदी भी ये जानते हैं कि नीतीश कुमार को सारी जो उनकी डिमांड है उसे पूरी करनी होगी, अगर वो पूरा नहीं करते हैं तो ये तय मानिए कि कुछ ना कुछ मतलब ऊपर नीचे हो सकता है, मामला गड़बड़ हो सकता है। लेकिन नरेंद्र मोदी ने कल जिस तरीके से भाषण दिया दिल्ली के लाल किला पर, बिहार की जो गाथाएं उन्होंने कही। अच्छा, एक उन्होंने झारखंड का जिक्र किया। जी बिल्कुल, देखिए झारखंड में तो चूंकि विधानसभा का चुनाव है, बिहार में भी चुनाव है लेकिन झारखंड का सबसे पहला है, और इधर बिहार के चुनाव पर जब फोकस नरेंद्र मोदी की आती है, वो जानते हैं कि बिहार में फोकस करना बेहद जरूरी है। आपने देखा नालंदा विश्वविद्यालय जो खंडहर विश्वविद्यालय था उसे कितना भव्य तरीके से उन्होंने बनाया, कितनी भव्यता लाई है। क्या इस योजना पर नीतीश कुमार नहीं संतुष्ट हैं? वो नालंदा यूनिवर्सिटी जो अपनी कितनी मतलब कितनी कहानियां अपने आप में समेटे हुए था, उस यूनिवर्सिटी को एक बार फिर से केंद्र सरकार के योजनाओं से, बिहार सरकार के मदद से, उस नालंदा यूनिवर्सिटी को नए तरीके से नरेंद्र मोदी ने बनाया है, और वो वहाँ की भव्यता और वहाँ का जो एरिया है वो एरिया और उससे एक बिहार की जो छवि पुनः स्थापित हो रही है देश भर में। उन्होंने दिल्ली के लाल किला से इस बारे में बात किया है, उस नालंदा यूनिवर्सिटी को क्या एक बार, चलिए उस यूनिवर्सिटी में अब तो मतलब नामांकन होगा ही होगा, लेकिन उसे देखने के लिए कितने सारे व्यक्ति पहुंचेंगे, जब पूरे देश को संबोधित करते हैं, जब पूरे देश को उनका कि एक बार तो जरूर नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में वो सर्च करेंगे, नालंदा यूनिवर्सिटी के बारे में एक बार फिर गूगल करेंगे, एक बार फिर आप देखेंगे कि कुछ दिनों में नालंदा यूनिवर्सिटी एक बार फिर चर्चा में आ जाएगा। तो नालंदा और बिहार, बिहार
पर फोकस जो नरेंद्र मोदी का था, जो भाषणों में उन्होंने दिया, इससे नीतीश कुमार को भी लगा कि नहीं, नरेंद्र मोदी बिहार को भी सोच रहे हैं, देख रहे हैं और सोच रहे हैं, तभी तो उन्होंने विशेष पैकेज दिया है, 60 करोड़ का योजना उन्होंने दिया है। और कल ही आपको बता दें कि एक और वाक्य हुआ है, जो बाढ़ से निपटने की बातचीत कही गई थी, जो बाढ़ से बिहार हमेशा हर साल त्रस्त रहता है, 500 करोड़ की जो बातचीत कही थी, कल ही उस बाढ़ की जो राशि थी उसे आवंटित कर दी गई है बिहार सरकार को। तो ये सारी चीज़ देखिए, परिस्थितियां तो बन रही थी, नीतीश कुमार की नाराजगी बन रही थी, लेकिन जैसे ही 15 अगस्त आता है, नरेंद्र मोदी भी समझ जाते हैं वक्त की नज़ाकत को, और वो एक के बाद एक, कल बाढ़ की योजना स्वीकृत हुई है, कल कई सारी योजनाएँ जो हैं वो एक एक करके स्वीकृत हुई हैं, और बाढ़ की जो योजना थी इस पर एक कमेटी भी बना दी गई है, दिल्ली में एक कमेटी बनाई गई है, ललन सिंह ने खुद इस बारे में जानकारी अपनी दी कि इस तरीके की घटनाएं घटी हैं, मतलब ये वाक्या हुआ है, और बाढ़ के बाद बस बिहार पर फोकस करना नरेंद्र मोदी का, तो नीतीश कुमार भी समझ गए कि नहीं, नरेंद्र मोदी आज भी बिहार के लिए वो सोच रहे हैं जो हमारे मन में था, जो हमने एक नरेंद्र मोदी के सामने रखा था प्रपोजल कि बिहार हमेशा से पिछड़ रहा है, फैक्ट्रियां नहीं है यहाँ पर, केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं उस पर विशेष रूप से फोकस करना चाहिए। तो नरेंद्र मोदी ने फोकस किया बिहार को लेकर के, उन्होंने संबोधन किया, तो नीतीश कुमार ने क्या किया, नीतीश कुमार ने अचानक से अपना सारा बयान बदल दिया। कल हमने समझाया था दर्शकों को कि 10 पॉइंटर्स क्या क्या हैं, जिस पर बीपीएससी शिक्षक पर वो ध्यान देंगे, जिस पर महिला शिक्षिकाओं के बारे में वो ध्यान देंगे, बिहार के विकास पर के लिए कई योजनाओं की बातचीत करेंगे, तो रोजगार को उन्होंने मुद्दा उठा दिया। बिहार में आप देखेंगे कि जो पटना का मरीन ड्राइव बना है, इस मरीन ड्राइव को जोड़ने की वो बात कर रहे हैं कोइलवर पुल तक और इधर मुकामा तक, तो ये मतलब पूरा पटना को क्या उन्होंने गोल एक शेप में बना दिया। कहीं से भी आप पटना में अगर आपको आरा जाना है, या फिर अगर आपको इधर हाजीपुर इधर जाना है, मुजफ्फरपुर जाना है, बेतिया इधर जाना है, तो ये एक रास्ता सुगम हो रहा है उनके लिए। तो नीतीश कुमार ने ये योजनाएं दी हैं। एक चर्चा हमने किया था कल परसों में कि जो शत्रुघ्न सिन्हा है, जो टीएमसी के सांसद है, वो एक दूत बनकर आए हैं, वो एक ऑफर लेकर के आए थे, वो तेजस्वी यादव के पास जाकर उन्होंने प्रपोजल दिया कि नीतीश जी को क्यों ना फिर से बुला लिया जाए अपने तरफ, की बड़ाई करते नजर आ, बड़ाई भी कर रहे थे, उनके बेटे लव सिन्हा वो भी खूब बड़ाई कर रहे थे, मतलब जा रहे हैं लालू यादव से मिलने और बड़ाई कर रहे हैं नीतीश कुमार का। तो ये बातें कहीं ना कहीं इशारा कर रही थी कि एक संदेशा भेजा गया इंडिया गठबंधन की तरफ से, लेकिन नीतीश कुमार ने उस संदेश को ही इस मतलब जो भेजा गया था उनके पास प्रपोजल, इस प्रपोजल को ही नहीं होता है पन्ना फाड़ के फेंक देना, उन्होंने फेंक दिया, उन्होंने उम्मीद तोड़ दी। और तेजस्वी यादव भी आज वेट एंड वॉच में थे कि आज नीतीश कुमार क्या बयान दे रहे हैं। अगला सवाल है कि तेजस्वी भी अब पूरे तरीके से तैयार है कि हाँ भाई अब तो चाचा मेरे साथ नहीं आ रहे, अब हमको क्या करना। नहीं, तेजस्वी इस बात के लिए कल तैयार थे कि चाचा आज भाषण देंगे, देखते हैं, थोड़ा बड़ा इंटरेस्टिंग भाषण होगा, हो सकता है कि कुछ बोल दें, इशारा कर दें, क्योंकि इशारा करने में तो नीतीश कुमार माहिर हैं, तो इशारा हो सकता है कि कुछ करें। वेट एंड वॉच में थे कल हम, लालू राबड़ी आवास पर गए थे सुबह सवेरे, तो बहुत सारी बातें उन्होंने नहीं कही, बहुत सारे मीडिया कर्मियों ने सवाल पूछना चाहा, उनकी यात्राओं पर सवाल पूछा गया, लेकिन तेजस्वी बोले ही नहीं, लालू प्रसाद यादव को आगे कर दिया, उन्होंने कहा कि नहीं लालू जी ही बोलेंगे, पहले सोचे कि भाषण सुन ले फिर कुछ बोले। हाँ, पहले मतलब लालू प्रसाद यादव को ही उन्होंने आगे कर दिया, तो लालू प्रसाद यादव ने बताया कि जिस तरीके से उन्होंने बयान दिया, स्वतंत्रता पर बयान दिया, बाकी पॉलिटिकल बहुत बयान उन्होंने दिया नहीं, वो वहाँ से निकल गए। अब हम सबको लगा कि तेजस्वी कुछ बोलेंगे, कुछ चाचा पर हमला करेंगे, लेकिन उन्होंने नहीं हमला किया। इधर क्या किया नीतीश कुमार ने, पूरा गेम ही पलट दिया, भाषण तो दिया ही दिया, फिर से वही बात दोहरा दी कि कुछ लोग हैं जो अपने परिवार को आगे बढ़ाते हैं, नौकरी हम दिए, हाँ तो नौकरी तो हम दिए, नौकरी पर श्रेय लेते हैं तेजस्वी यादव, नौकरी तो हम दिए हैं, पत्नी को बार बार मुख्यमंत्री बना देता है, बार बार आगे कर देता है, तो मतलब गए थे स्वतंत्रता दिवस समारोह, हाँ स्वतंत्रता दिवस मनाने, और नीतीश कुमार ने, तेजस्वी यादव इंतजार कर रहे थे कि चाचा जी तो कुछ तो बोलिएगा, कुछ तो इशारा कीजिएगा, तब तक कहा कि नहीं कुछ नहीं, ये लीजिए, ये आपका जो प्रपोजल था उसे हमने फाड़ के फेंक दिया। तो अब तेजस्वी यादव क्या करेंगे, अब आप देखिएगा तेजस्वी यादव का क्या होगा, अब खूब हमले होंगे एनडीए गठबंधन पर, मीडिया में खूब आएंगे। पिछले आप देखेंगे कि जब से विधानसभा का सत्र शुरू हुआ है तब से लेकर अभी तक तेजस्वी एकदम मतलब शांत थे, एकदम चुप थे, उनकी चुप्पी मतलब ये साबित कर रही थी, वो ना तो किसी पर हमला कर रहे थे, ना किसी पर बोल रहे थे। 15 को सीएम नीतीश का भाषण हुआ और 14 को एक दिन पहले तेजस्वी यादव बोले,
जानबूझ के बोले हैं, उनको बोलना तो पड़ेगा ना, एक बार थोड़ा देखते हैं टेस्ट करके, ना टेस्टर नहीं होता जो लगा के चेक किया जाता है कि करंट आ रहा है कि नहीं, तो करंट वो लगा के वो चेक कर रहे थे तो उन्होंने देखा, तो अब क्या हुआ, अंत तो वही हुआ जो मतलब नीतीश कुमार ने सारा गेम पलट दिया, और पलटने के बाद अब ये स्पष्ट हो गया है कि मतलब अब नीतीश कुमार कहीं भी नहीं जा रहे हैं, तेजस्वी यादव की अब यात्राएं जो हैं वो अब निरंतर यहाँ से शुरू हो जाएंगी। उस यात्रा पर एक संकट था, लेकिन वो संकट अब मुझे लगता है कि और गहरा गया। अब तेजस्वी यादव की यात्राएं लगातार चलेंगी और अब देखिएगा खूब हमले करेंगे, यहाँ से संभावनाएं मुझे लगता है कि इस पर कहीं ना कहीं अब समाप्त हो रही है। नीतीश कुमार एनडीए में ही है, अब आने वाले वक्त में अगर एनडीए से कुछ गड़बड़ होता है तो शायद नीतीश कुमार कुछ करेंगे, लेकिन अभी तक तो स्थिति ये है कि अब नीतीश कुमार कहीं नहीं जाने, उस पर उन्होंने मिट्टी डाल दी है इन बातों पर। अच्छा रत्नेश, आप ये बातें बोल रहे हैं, अब नीतीश कुमार एनडीए में रहेंगे, तेजस्वी यादव अब अलग हो, मतलब जैसे था, लेकिन ये भी बातें आई है कि इंडिया गठबंधन से कोई मिला है सीएम नीतीश का करीबी। बिल्कुल, इंडिया गठबंधन के एक नेता से नीतीश के एक बेहद करीबी मंत्री हैं, उनकी मुलाकात हुई है। तो वो क्यों मुलाकात हुई है, उनकी मुलाकात हुई है उनको एनडीए में वापस लाने की। हम बात यहाँ कर रहे हैं मुकेश सहनी की। मुकेश सहनी का तो लगभग फाइनल हो चुका है कि उनकी घर वापसी हो रही है, चाहे वो प्रेम कुमार का बयान आप ले लीजिए, मंत्री प्रेम कुमार का, जमा खान का बयान ले लीजिए, उन्होंने मुकेश सहनी का तिरंगा का डीपी जैसे ही बदलता है लोग ये कहने लगते हैं कि अब मुकेश सहनी की एंट्री हो गई। लेकिन अभी भी मुकेश सहनी तेजस्वी यादव को ही मजबूत करने की बातचीत कर रहे हैं। ये वही स्थिति है जैसे नीतीश कुमार अमित शाह से बातचीत कर रहे थे फोन पर, शाम तक रात तक सब कुछ ठीक था, अगले दिन वो चले गए इस्तीफा लेकर के। तो ये मतलब मुकेश सहनी भी चाहते हैं कि जो मतलब वो मांग करना चाहते हैं एनडीए गठबंधन से, जो वो चाहते हैं अगर वो पूरा हो जाएगा तो शायद मुकेश सहनी के लिए आसान हो जाएगा। लेकिन मंत्री अशोक चौधरी गए थे, नीतीश कुमार के बेहद करीबी मंत्री, वो गए थे मुकेश सहनी के पास ऑफर लेकर के। सहनी के करीबी ही खुद ये बोलते हैं कि जो हमारी बातों के लिए नेगोशिएट करेगा हम उसके पास जाएंगे। बिल्कुल, तो मतलब यही डिमांड कर रहे थे 2024 में, आरक्षण का मुद्दा उनके पास था, सीट मांग रहे थे ज्यादा। अब विधानसभा का समय तो विधानसभा में भी सीट मांगेंगे, जो नहीं मिला आपको 2024 के लोकसभा में 25 में उसे पूरा कर लेंगे। तो कहीं ना कहीं वो अब एंट्री लगभग तय है, और इससे तेजस्वी यादव को एक झटका लगेगा कि वो उनके उनको बड़ा भाई मानते थे, बहुत प्रचार प्रसार उन्होंने किया, हेलीकॉप्टर यात्राएं की, तो भी एक झटका लग सकता है इंडिया गठबंधन को जब उनका एक साथी एनडीए में शामिल हो जाएगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद रत्नेश। देखिए आज भी जो है बिहार में खबरें चलती रहेंगी और राजनीति का मुद्दा उठते रहेगा, हम आपको कल पूरी जानकारी आज की खबरों के बारे में देंगे। फिलहाल रातों रात में इतना ही, बने रहिए भारत लाइव के साथ, अपनी प्रतिक्रिया आप कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं, हमें इंतजार रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी, तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली, ओजे वो घंटी बा ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुवा मुफ्त में मिल जाई। अगर रुवा पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कली 9386816700। धन्यवाद।